वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। आपका बहुत स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देने वाला हूं कि डेटॉल साबुन में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, उस डेटॉल साबुन के जो आपको यूज़ कर रहे हो कि आपके स्किन पे वो बेनिफिट दे रहा है या नुकसान दे रहा है, इन्हीं तरह की बातों के ऊपर मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपकी फैमिली को लेके और आपके स्किन के लेके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल का जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि डेटॉल साबुन में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं। मैं डेटॉल साबुन के अलावा भी अन्य साबुन की बात करता हूँ जो साबुन का आप इस्तेमाल करते हो। आप कोई भी साबुन को परचेस करने से पहले आप किसी भी साबुन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके एक बार इंग्रेडिएंट्स पर नज़र जरूर मार लीजिए, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े होने के नाम पर कहीं केमिकल तो नहीं पड़ा हुआ ना। उस केमिकल कहीं आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को, आपके जो बच्चे घर में रहते उन्हें किसी तरह के हार्म तो नहीं कर रहे ना। इसलिए आप किसी भी तरह का साबुन का इस्तेमाल करने से पहले उनके इंग्रेडिएंट्स पर एक बार नज़र जरूर मार लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा डेटॉल में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं। डेटॉल में फर्स्ट है सोडियम पल्मेट, सेकंड टेल्स, थर्ड एक्वा, चौथा ग्लिसरीन, पांचवा परफ्यूम या फ्रेग्रेंस और छठा है सोडियम क्लोराइड। अब मैं आपको बताऊंगा इनमें जो इंग्रेडिएंट्स तो मात्र बस पांच ही हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्सों के नाम पे जो केमिकल डाल रहा है डेटॉल कंपनी उसे आप थोड़ा सावधान हो जाइए। आपको पांचवें नंबर पर जो आता है परफ्यूम या फ्रेग्रेंस, आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। जो परफ्यूम या फ्रेग्रेंस जो इंग्रेडिएंट्स होता है इसमें 200 से ज़्यादा केमिकल होते हैं जो स्किन को इतनी बुरी तरह से हार्म करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये तकलीफ में भी डाल सकते हैं। इसलिए मेरी पर्सनल राय है अगर आप डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो डेटॉल का एलोवेरा सॉप आता है जिसमें परफ्यूम और फ्रेग्रेंस या आर्टिफिशियल कलर का किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और आपकी स्किन को वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी और आपके स्किन टोन को भी वो निखार देगी। इसलिए आप डेटॉल साबुन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप डेटॉल में डेटॉल का एलोवेरा सॉप का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। आप सभी को पता है जैसे कोरोना समय के दौरान में डेटॉल साबुन का प्रचार इस रूप से किया गया है कि वर्ल्ड में सबसे नंबर वन पे डेटॉल सॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला साबुन वर्ल्ड में सबसे नंबर वन पे आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि ये डॉक्टर से भी रिकमेंडेड किया जाता है और इसमें इस तरह के एंटीसेप्टिक एसिड पड़े होते हैं जो आपकी बॉडी पे स्किन में जो भी कोरोना संक्रमण के जो भी बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं तो उससे अगर आप स्नान करते हो तो आपके बॉडी में कोरोना संक्रमण के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और ये मेन बस सैनिटाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप बार बार डेटॉल से हाथ धोते हो, डेटॉल लिक्विड का इस्तेमाल करते हो तो आपके बॉडी में कोरोना जैसे वायरस का भी संक्रमण का बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए आपको कोरोना समय में भी या अन्य किसी भी बैक्टीरिया से दूर रहना हो तो डेटॉल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेटॉल साबुन से अगर आप रोज़ नहाते हो, डेली रूप से उसका प्रयोग करते हो तो आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे किस तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। आपके इसके बेनिफिट देखोगे तो भाई बहुत ज़्यादा चकित रह जाओगे। सबसे फर्स्ट है अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपकी हवा के संपर्क में आने से आपकी चोट पे बैक्टीरिया बैठ जाते हैं और वो बैक्टीरिया घाव को बहुत ज़्यादा गहरा बनाते हैं। लेकिन अगर आप डेटॉल लिक्विड या डेटॉल सॉप से स्नान करते हो, डेटॉल लिक्विड से उस घाव को साफ करते हो तो आपके घाव को पूरी तरह से साफ कर देता है, बैक्टीरिया को दूर करता है जिसके कारण से आपका घाव बहुत जल्दी भरना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है हानिकारक विषाणुओं से भी आपको डेटॉल सॉप बचाता है। आपके जैसा कि आपको पता ही जो मेल लोग होते हैं, अब तो फीमेल भी कई फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं, वो बाहर जाती हैं धूप में या मेल भी, तो उनके शरीर में प्रवेश उनके शरीर में पसीना आने की वजह से अलग अलग तरह के जो पर्यावरण में मौजूद है जैसे H1N1 जो वायरस होते हैं हमारे बैक्टीरिया पे, हमारे जो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्किन पे बैठ जाते हैं जिसके कारण हमें अलग अलग तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आप घर पे आकर शाम को रोज़ नहाते हो डेटॉल सॉप से तो आपके इन तरह की बैक्टीरियों का भी संक्रमण बिल्कुल आपके शरीर से मुक्त हो जाता है। अब थर्ड आता है जो लोग अपने फेस प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, कील मुहासे, एक्ने या अलग अलग तरह के दाग धब्बे जो हो जाते हैं अपने फेस को, वो ये बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो लेकिन आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं देखने को मिलता। थोड़े समय के लिए मिल भी जाता होगा लेकिन आपको रेगुलरली नहीं मिलता। इसलिए मेरी आपसे एक राय है अगर आप इन तरह के फेस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपको डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। डेटॉल साबुन क्या करता है, जो इस तरह के जो प्रॉब्लम जो बैक्टीरिया देते हैं वो बैक्टीरियों को आपके फेस पर से दूर कर देता है और धीरे धीरे आपके जो फेस में जो एक्ने पिंपल सभी को दूर करके आपके फेस पे एक अलग तरह का ग्लो ला देता है। तो दोस्तों इसलिए आपको डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह के बेनिफिट अगर पाने हो तो। और भी अलग तरह के स्किन में आपको बेनिफिट देने को मिलता है ये डेटॉल साबुन। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों डेटॉल साबुन अगर आप इस्तेमाल करते हो, अगर आपके घर में भी डेटॉल सॉप का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको ऐसी कौन से मुख्यतः बातें हैं जिसका आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में
10 साल से छोटा बच्चा है। तो याद रखें, 10 साल से छोटे से बच्चों को डेटॉल साबुन का या डेटॉल लिक्विड का भी संपर्क में बिल्कुल भी ना आने दीजिए, क्योंकि डेटॉल जो सॉप होता है इसमें इस तरह के एंटीसेप्टिक एसिड होते हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स इतने एक्टिव होते हैं कि ये बैक्टीरिया पर पूरी तरह रहित नहीं, मतलब पूरी तरह से ये काम करता है। लेकिन जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं इनकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इन जो इंग्रेडिएंट्सों को इनका नेगेटिव असर देखने को मिलता है और अलग अलग तरह के बच्चों को स्किन प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है और बच्चे पूरी तरह से चिड़चिड़ेपन में आ जाता है। सेकेंड है, आपको अगर आपके घर में मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बूढ़े, कोई भी अगर डेटॉल सॉप का इस्तेमाल करते हो तो याद रखें आपके मुँह के द्वारा, आपके कान के द्वारा या किसी भी क्षेत्र के द्वारा आपके शरीर में डेटॉल साबुन या डेटॉल लिक्विड का प्रवेश ना होने पाए। जैसा कि आपको पता ही, डेटॉल साबुन हमें ऊपर से पूरी तरह से बेनिफिट देता है, लेकिन अगर आपके शरीर में डेटॉल साबुन प्रवेश कर गया या डेटॉल लिक्विड भी प्रवेश कर गया तो आपको उल्टियां, दस्त और हल्के हल्का 3 से 4 दिन तक बुखार रहेगा। लेकिन आपको इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको पूरी तरह से बेनिफिट देगा, आपको इसमें दवाई लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आप डेटॉल साबुन का इस्तेमाल कीजिए, आपको किसी भी तरह का इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी रही, आपको वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में जो घंटे का आइकन है उसे ऑल की नोटिफिकेशन करें, हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। अब मैं आपको सेकंड वीडियो लाने वाला हूँ डेटॉल सॉप के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर आप डेटॉल साबुन से लेके आपके मन में किसी भी तरह के डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ना अपनी पर्सनल राय दीजिए। आपका कोई भी प्रश्न होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं अगली बार उस वीडियो में उस क्वेश्चन को नोट करके बाकायदा 10 क्वेश्चन ऐसे लूँगा जो लगेगा मुझे कि हाँ ये मेन है, तो वो 10 क्वेश्चन को उठा के अगली बार आपके उन्हीं क्वेश्चनों को डेटॉल साबुन से रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पर्सनल रूप से जवाब दूंगा और अच्छी तरह से वो वीडियो बना के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।